आज देश की राजधानी के निवासी सुबह सुबह उठ ही पाए थे कि एकदम से उनके घर के पंखे झूमर सभी हिलने लगे। सभी लोग ये सारी चीज़ों को देखकर सकपका गए और अपने घरों से बाहर निकलने लगे और लोग समझ गए कि आ चुका है देश की राजधानी में भूकंप। जी हाँ, सुबह के 9 से 10 बजे के बीच में उत्तर प्रदेश के नोएडा और तमाम इलाकों में, साथ में ही दिल्ली जम्मू कश्मीर के इस पूरे इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि बड़ी खबर ये भी है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब रिक्टर स्केल पे इसको नापा गया तो 5.7 तीव्रता से ये भूकंप आया था और ये जो भूकंप का केंद्र था वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर था, जहां पर बताया जा रहा है कि ये हिंदू कुश की पहाड़ियों से आया था। वो इस्लामाबाद से लगभग इसकी 150 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन ये भूकंप अफगानिस्तान में आया लेकिन थर्रा गया पूरा उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, साथ में दिल्ली राजधानी और जम्मू कश्मीर। इस भूकंप के कारण लोग सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं और एकदम से ये खबरें आने लगती हैं कि भूकंप आया है। लोगों के घरों की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। भूकंप के झटके ये पूरे जो आज सुबह सुबह लोगों को महसूस होने लगे, इसको देखकर तमाम जो लोग थे जो सुबह सुबह अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, कोई अपने घर में कुछ काम कर रहा था, वो लोग एकदम से घरों से बाहर निकलने लगते हैं। और बड़ी बात यह है, यहाँ पर भूकंप आखिर अफगानिस्तान का जो भूकंप जो था वो भारत में कैसे आ गया? क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जहाँ पर हिंदू कुश की पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, हिंदू कुश की पहाड़ियों में जब भी कोई भूकंप आता है तो देश की राजधानी दिल्ली तक ये पूरा जो इलाका है कांप जाता है, क्योंकि भूकंप जो है इस ये जो पूरा जो एक पूरी जो प्लेट है ये हिंदू कुश की पहाड़ियों से प्रभावित है और इस पूरी प्लेट में जब भी कोई भूकंप आता है तो दिल्ली भी हिल जाती है, वहीं उत्तर प्रदेश का नोएडा भी हिल जाता है। देखना होगा शाम तक इसकी और भी क्या खबरें आती हैं। हालांकि अभी तक जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। धन्यवाद, मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे थे बिग हेडलाइन।